नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज हमारे साथ उपस्थित है बीज मोहन जी माहेश्वरी सर, जिनको आप रॉयल किसान चैनल पर जनवरी 2024 से लगातार देख ही रहे हैं। और आज मैं आया था स्पेशल सर से मिलने, जो कि आने वाला जो महीना है मई महीना है, मई महीने में लहसुन के बाजार क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या रॉकेट तेजी देखने को मिलेंगे या फिर रॉकेट गिरते हुए देखने को मिलेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही अगर आपको ज्ञात होगा तो अप्रैल महीने की शुरुआत में भी हमने सर का इंटरव्यू लिया था, जो कि बिल्कुल सटीक बैठा था। तो आइए जान लेते हैं मई महीने में सर का क्या अनुमान है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्रेम देते हो मुझे जी, इसके लिए आपको रॉयल किसान को बहुत धन्यवाद और किसान मित्रों को बहुत धन्यवाद जो इच्छा रखते हैं कि ब्रजमोहन जी का इंटरव्यू रोज देखें। बिल्कुल बिल्कुल, किसान मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों के काफी कमेंट आ रहे हैं सर, जैसा कि अप्रैल महीने की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि अप्रैल महीना बहुत ही किसानों के पक्ष में गया है, बहुत ही अच्छे दाम देखने को मिले हैं। तो अब किसानों के मन में आ रहा है कि सर, अब मई महीना की शुरुआत होने वाली है 2 दिन बाद, तो वो महीना कैसे क्या निकलने वाला है, उसमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर थोड़े से रॉकेट वहां पर नीचे गिरेंगे। शिवराज जी, आप अप्रैल या मई माह की या फिर किसी भी माह की बात करें, मैं तो किसान मित्रों बता दूं आपको, पूरा साल ही हैप्पी एंडिंग होगा। अच्छा, पूरा साल बहुत अच्छा साल है और लहसुन में ये वो वाली गिरावट हमको देखने को नहीं मिलेगी पूरे साल में। जी जी, बाजार यहाँ जमेगा, यहाँ से कितना ऊंचा होगा ये मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। जी जी, बाकी बाजार डाउनफॉल ज्यादा नहीं है शिवराज जी। जी, ये साल बहुत अच्छे भाव हुए, अच्छे भाव रहेंगे और यहाँ से कितनी क्या तेजी आती है, तेजी का मैं आपको सटीक नहीं बता पाऊंगा। जी जी, बाकी मंदी ज्यादा नहीं है लहसुन में। जी जी शिवराज जी, तो मई महीने में जैसे कि सर रेगुलर मंडियां भी चलेगी, इसमें ज्यादा छुट्टियां देखने को नहीं मिल रही है, और जैसा कि बहुत सारे राज्यों की नई जो फसल है वो भी निकल चुकी है, तो थोड़ा सा आवक का प्रेशर भी कहीं ना कहीं मई महीने में बढ़ेगा ओवरऑल इंडिया में, तो थोड़ा सा यहाँ से गिरावट तो देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। शिवराज जी, ये चीज बिल्कुल सही है जी, कि अभी हिमाचल कश्मीर दोनों जगह की अभी नई फसल स्टार्ट होने वाली है जी, लगभग लगभग कटिंग चालू हो गई वहां पर भी जी, और 8-10 दिन में वो भी मार्केट में माल आना चालू हो जाएगा। और अपने यहाँ मई में एमपी राजस्थान, खैर राजस्थान में इतनी छुट्टी नहीं होती है जी, जी जितनी अपनी एमपी में छुट्टियां होती है। सही बात है, तो एमपी और राजस्थान दोनों कंटिन्यू मंडी है, मुझे लगता है शायद संडे वगैरह वो छुट्टी हाँ, खुले जी जी, तो कंटिन्यू मंडी है बराबर, इस चीज का अपने को भाव के ऊपर इफेक्ट दिखेगा जी। बाकी अगर बाजार डाउन होता है तो जो पर्दा पॉलिश वाले स्टॉक वाले माल है जी, उनमें थोड़ी सी पकड़ आएगी, इसलिए किसान मित्र निश्चिंत रहे, बाजार ज्यादा डाउन होने को मुझे तो नहीं दिखता है जी, स्टॉक वाले माल में। अच्छा जी शिवराज जी, एवरेज माल में कहीं ना कहीं अपने को कुछ मंदी दिखने को मिलेगी जी, बाकी जो स्टॉक के जो लाल पत्ती के पर्दे पॉलिश वाले माल है जी, अगर इसमें थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है तो स्टॉक सक्रिय हो जाएगा जी, और उसको ज्यादा घटने नहीं देगा जी, तो मुझे तो मई महीने में इतनी ज्यादा मंदी नहीं दिख रही है। हाँ, बाजार बढ़े नहीं का, अच्छा ये निश्चित है, बाजार ज्यादा बढ़े नहीं का, बाकी मुझे गिरावट भी ज्यादा नहीं दिख रही है जी। जी शिवराज जी, क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं, 2023 ने ग्राहकों को जी, जो यूजर है जी जी, उनको ऊंचे भाव में लहसुन खाना सिखा दी है। अच्छा, नहीं तो कहीं ना कहीं ऊंचे भाव में ग्राहकों के मन में ये होता है कि यार भाव ऊंचा है थोड़ा सा माल कम ले लें जी। बाकी आपने एक चीज मैं जो नोटिस कर रहा हूँ जी, शायद वो सभी सभी लोगों ने वो चीज नोटिस करी होगी जी, इतने लंबे समय में तेजी मैंने इसी साल देखी है। अच्छा, जिसका तेजी का समय अंतराल बहुत बहुत लंबे टाइम रुकी तेजी वो जी। बाकी आपने भी शायद, मुझे लगता है 2-3 साल से आप भी काम कर रहे हैं जी, इसी जी, चीज बिल्कुल। में इसी फील्ड में आप भी हैं, और मुझे भी 9 साल 10 साल मुझे भी इसी फील्ड में हो गए हैं। सही बात, जब भी लहसुन तेजी आती है जी, तो वो मुझे लगता है 8 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना बरोबर 2 महीना सही, और अभी का जो अपन टाइम पीरियड जो देख रहे हैं जी, मुझे लगता है शायद सितंबर अक्टूबर से तेजी चालू हो गई थी लास्ट 2023 जी जी, उसके बाद जो ग्राफ तेजी का ऊपर जस्ट ऊपर आया जी, उसके बाद ग्राफ इतना ऊंचा आया, नए माल जो अप्रैल माह मार्च माह में अपन ने मार्च अप्रैल माह में जो अपन ने तेजी देखी है जी,
30,000 35,000 रिकॉर्ड तोड़ तेजी थी जी। ऊटी लहसुन, ऊटी लहसुन हो गई, चाहे देशी भी जी। देशी का आपको बताता हूँ शिवराज जी, लड्डू पैटर्न के माल मेरे 25,000 के पाले लगे जी। जी शिवराज जी, जो अभी 12,000-13,000-14,000 के आसपास है वो गीले माल मैंने 25,000 तक 26,000 तक खरीदी, मैंने खुद ने भी करी है जी। तो आपको ये चीज बता दूं मैं, इतना लंबा जो समय था, इतनी तेजी मैंने तो पहली बार देखी है जी। शायद हमारे और भी कोई मित्र हैं, उन्होंने भी शायद, मुझे तो नहीं लगता इतनी लंबी तेजी देखी हो। और मार्च और अप्रैल माह में ये भाव शायद ही पहली बार ही देखें जी। जी शिवराज जी, क्योंकि हर कोई जो आकलन लगा रहा था वो यही लगा रहा था कि अप्रैल महीने में गिरेगा, मई में गिरेगा, अगर हम यहाँ से स्टॉक करेंगे, पर अप्रैल महीना तो बिल्कुल विपरीत ही निकला है। इसमें तो जो सितंबर अक्टूबर में भाव रहते हैं किसी समय, वो भाव अप्रैल महीने में देखने को मिले थे। शिवराज जी एक चीज मैंने आपको मार्च एंडिंग में कहा था, अप्रैल माह में मंदी नहीं आएगी, अप्रैल माह में तेजी आएगी 3,000 से 5,000 के आसपास। जी जी बिल्कुल, और ये बात भी मैंने कही थी मोटे मालों में अच्छी तेजी आएगी जी। और निश्चित रूप से वही हुआ है। मोटे उदाहरण भी दिया था कि अचार का सीजन शुरू होने वाला है जी, बरोबर, वो वीडियो भी है किसान मित्र, आप जरूर से देख लीजिएगा एक बार। तो मैंने ये कही थी मोटे मालों में तेजी अच्छी आएगी, और निश्चित अपन ने पूरे महीने में अप्रैल माह में मोटे मालों में अच्छी तेजी देखी है जी। और जो छोटे माल है उनमें भी तेजी आई है, बाकी जो मोटे मालों में तेजी है उसकी तुलना में छोटे मालों में तेजी कम आई, कम आई, वो चीज अपन ने अप्रैल माह में देखी है। अब मई माह में रेगुलर मंडी है, दो प्रांतों का माल भी निकलने वाला है जी। कश्मीर का, हालांकि उनका महीने डेढ़ महीने दो महीने तक माल चलता है जी, बाकी उसका भी इफेक्ट अपने मालों पे, मोटे मालों पे जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार है तो इस बाजार में मुझे लगता है किसान बेचना पसंद करेंगे, तो गीला माल भी है जी। बिल्कुल निश्चित रूप से यही हो रहा है जी। राजस्थान में बंपर मंडियों में जो आवक देखने को मिल रही है जी, उसमें कहीं ना कहीं किसान के मन में है ये भाव हमने इस महीने में कभी नहीं देखा है, तो हम तो बेचना पसंद करेंगे, चाहे बाजार बाद में कुछ भी हो जाए उनको उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए राजस्थान की तमाम मंडियों में फुलफाट आवक है जी। जो आवक मैंने तो पहले कभी नहीं देखी है। अच्छा, 12 में 40,000-50,000 कट्टा, कोटा में 35,000-40,000 कट्टा जी। तो ये कहीं ना कहीं किसान इन भाव को लेना पसंद कर रहा है। सही बात है। तो आपको एक बात बता दूं मैं, मई माह में जो रेगुलर मंडियां चल रही है, दूसरे प्रांतों का भी माल आ रहा है, तो इस माह में तेजी तो नहीं दिख रही है जी। इत्तफाक से अगर कोई तेजी आ जाती है तो उसका एक अलग बात हो जाता है जी। बाकी इस माह में या तो बाजार समान रहेगा या फिर कुछ भी डाउनफॉल अपने को देखने को मिलेगा। अच्छा जी शिवराज जी, हल्की फुल्की मंदी देखने को मिल सकती है। हाँ, ज्यादा डाउन नहीं है जी, किसान मित्र बिल्कुल निश्चिंत रहे, लहसुन में ज्यादा मंदी नहीं है, ज्यादा घटे नहीं का बाजार जी। हाँ, स्टैंड हो जाएगा 1,500-1,500 की तेजी मंदी हो सकती है जी। बाकी जो भाव अपन ने देखे हैं जी पिछले कई सालों में, जैसे 70-80 रुपए फुल गोले मोटे माल बिक रहे हैं मई माह में जी जी, वो मुझे, वो चीज मुझे तो अभी देखने को नहीं, मुझे तो मेरा जो जी, मानना है वो अभी देखने को नहीं मिलेगी अपने को, क्योंकि पिछले साल की भी तुलना करें सर, मई अप्रैल मई में जो मोटे माल थे वो 8,000-9,000 लगभग यही रेंज चल रही जी। बिल्कुल ये भाव ही थे जी। और अप्रैल और मई माह पिछले साल तो बहुत कम बाजार थे जी, क्योंकि इन माह में मेरा जो मुझे जहाँ तक याद है अप्रैल और माह में 40 रुपए से लगाकर हाईएस्ट 90 रुपए के आसपास लहसुन थी जी, और उसी के विपरीत इस साल अपन देखने को मिल रहे देख रहे हैं जी, 100 रुपए से लगा करके आज लहसुन 20,000-25,000 तक लहसुन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं किसान मित्र आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं तो आपको एक बार शुरू से बोल रहा हूँ जनवरी से साल बहुत अच्छा है, पूरा साल ऐसे ही तेजी का निकलेगा जी। शुरुआत से ही किसान मित्रों को इसके लिए प्रेरित भी किया है, जो जो तेजी है उसका आपने भरपूर किसानों को फायदा दिलाया है कि माल को बेचते रहो भैया, बेचते रहो, और किसानों ने इस चीज का फायदा भी उठाया है। शिवराज जी फायदा ये मेरे हाथ में तो नहीं है किसी को फायदा दिलाना जी, बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसान हितैषी हूं जी, और किसानों से आप यकीन नहीं मानोगे, किसानों से मुझे बड़ा लगाव है जी, क्योंकि उनकी जो मेहनत है उनकी वो मेहनत सर्वोपरि है। सही बात। कई कई हम मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ जी, उसमें कई चीजें मैं देखता हूँ, किसान अन्नदाता है वगैरह, ये मेहनत सब कर रहे हैं, बाकी जो किसान मेहनत करके जो फसल मंडी में लेकर के आता है, एक एक दाना वो खेत से उठा करके मंडी में उसको बेचने तक उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है जी। तो उस चीज को लेकर के मैं कई बार, जैसे अपना पूरा क्षेत्र किसानी क्षेत्र है जी, तो मैं आता जाता भी हूँ, और किसान मित्र मेरे कई अच्छे दोस्त भी हैं जी, और इस चीज में उनकी जो मेहनत देखता हूँ वो सर्वोपरि है, और वो देश के लिए अगर कोई काम कर रहा तो एक जवान और एक किसान जी।
जो पूरे देश के लिए काम कर रहा है, जवान सीमा पे, किसान देश के अंदर। जी तो कहीं ना कहीं मैं किसानों का बड़ा प्रेमी हूँ मैं खुद भी। जी जी शिवराज जी, सही बात है। उसमें किसान क्या है, कितनी भी ठंड हो जी उसमें भी रात के अंधेरे में उस लहसुन को पिलाया है। और बहुत सी बार तो ऐसा भी हुआ, जैसे 2022 का साल भी था, उसमें किसान मित्रों लहसुन को फेंकना भी पड़ा था। बिल्कुल फेंका ना, जी बिल्कुल फेंका। और उस जगह हमें बड़ी, आप यकीन मानो या ना मानो, जी मुझे मेरे मुनाफे की इतनी चिंता नहीं होती जितनी किसान मित्र जो निराश होकर के मंडी से जाता है अगर उसको भाव को लेकर के, तो हमें बड़ी निराशा होती है। क्योंकि जी मेरा कमीशन तो मुझे वो 10 रुपये किलो की लहसुन में भी उतना ही मिलेगा, 3% 4% जो जी मैं जी पार्टियों से जी लेता हूँ, और 100 रुपये में भी मुझे उतना ही मिलेगा। थोड़ा सा मेरी कमाई का रेशो थोड़ा सा कम हो सकता है, जी बाकी जो उदासी और जो किसान मित्रों के चेहरे पे जाती है वो बिल्कुल थोड़ी सी देखने को हमें भी लगता है कि नहीं यार, भाव लहसुन का अच्छा ही होना चाहिए। सही और मैं बात तो कहता हूँ हर, मतलब ऐसा फिक्स हो जाना चाहिए कि उससे बाजार घटे नहीं और जी, किसानों की खुशहाली हमेशा रहे। सही बात है। क्योंकि जी शिवराज जो तेजी का माहौल रहता है किसानों में, वो अलग ही रौनक रहती है। जी, और बिल व्यापारी भी यही चाहता है कि अगर जितने ज्यादा भाव रहेंगे, व्यापारी भी उस तरह मोटिवेट रहता है और थोड़ा बहुत अच्छा मुनाफा उससे मिलता शिवराज है। जी, एक बात बता दूं, मैं अपने देश के जो 4 स्तंभ हैं उसमें किसान एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, उसके साथ में व्यापारी भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। सही और बात, व्यापारी कभी नहीं चाहता है कि किसानों का कोई नुकसान हो, शोषण नुकसान हो। हो, जी शोषण हो। जी व्यापारी हमेशा किसानों के साथ में ही खड़ा है, जी और ये एक गाड़ी के 4 पहियों में से व्यापारी और किसान दोनों मजबूती स्तंभ हैं। तो मैं जी तो कहूंगा व्यापारी हमेशा किसानों के हितैषी में काम करता और हमेशा रहेगा। जी जी शिवराज जी, सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कीमती समय देने के लिए। शिवराज जी एक चीज मैं आपको रोकूंगा अभी जी 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 अभी आप इसको एंडिंग मत करें, जी क्योंकि अभी अपने देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जी और उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान मित्रों, जो भी अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं, उन जी सभी से एक निवेदन करूंगा। क्योंकि अपन ने जो पिछले अभी न्यूज में, मैंने कल ही न्यूज में देखा है, 2 चरणों जी के चुनाव निपट गए हैं, जी उसमें जो वोटिंग परसेंटेज का शेयर जो डाउन हुआ है 2019 से, अच्छा वो बड़ा चिंता का विषय है। जी मैं सभी से अपील करूंगा अपने घर से बाहर निकल के एक वोट जरूर अपना करें, अपना वोट बहुत कीमती है, जी राष्ट्र हित में वोट करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप किस पार्टी से, आप किसी भी बरोबर पार्टी बरोबर को आप सही वोट बात, करें, बाकी अपना वोट सोच समझ करके करें, राष्ट्र हित में करें, और एक ऐसी जगह, मजबूत जगह वोट करें जहां पर देश को एक नई अच्छी दिशा दिखे। जी और सभी से वापस से पुनः अपील करूंगा, अपने जी घर से बिल्कुल निकल करके एक वोट जरूर करें, जी, एक बार और भी आप, एक बार शिवराज जी आप भी एक बार बिल्कुल अपील करें। किसान मित्रों, रॉयल किसान चैनल की ओर से भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि मतदान जरूर करें और अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर करें कि एक वोट राष्ट्र हित में जरूर कीजिए। तो जी किसान साथियों, ये थे हमारे ब्रिज मोहन जी माहेश्वरी सर द्वारा जो अनुभव साझा किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही किसान मित्रों, मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि ये सर ने इनका खुद का एक अनुभव साझा किया है। इन्होंने ये चीज कहा ये हो सकता है, इन्होंने ये नहीं कहा कि यही होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप जो भी निर्णय लीजिए अपने माल को खरीदने का, बेचने का, वो आप अपने स्वयं से जरूर लीजिएगा। बाकी रोजाना पिपलिया मंडी से लहसुन भाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रॉयल किसान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज रॉयल किसान को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।